सुरेशचंद। पिताजी का नाम श्री गंधर्व सिंह। कहाँ रहते हैं आप? अकबरपुर दामोदर कटरा। ये भीड़ लगी, ये क्यों लगी, कैसे है? ये इधर से ये चीता निकला मक्का में से और हम यहाँ पर खड़े हुए थे, इस साइड से आए तो वो दोनों हमारी तरफ गुर्राए, तो हम लेके पोड़िया जो उन पे दौड़े तो ये भागा इधर को, उसके पीछे भागे हम। हाँ। उसके पीछे जब हम भागे तो वो इसी पेड़ से टकरा के कुएं में चला गया, एक उधर को भाग गया। फिर हमने इसे निकालना चाहा, हम ये नहीं समझ पाए ये चीता है, हमने समझा ये बनबिलार है, तो हमने ये बल्ला काटा साकू और इसमें डाला, और जब डाला तो ये घुर्राया, इसने छलांग ली हो करके जो दौड़ा, उनने बल्ला मुंह में दे दिया, तब हम समझे कि ये चीता है, हमने तुरंत ही बल्ला छोड़ दिया, ऊपर निकाल कर दी। नाती हमारा मक्का भर रहा था, हमने उन्हें सभी बुला के इकट्ठा करके इधर भाग दिया, बुला के तब हमने फोन करा विमलेश के लिए, हमने बेटा चीता है। अच्छा, एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया। चीते के भय का सिलसिला शमशाबाद कस्बा में कई दिनों से चल रहा है, जिसके चलते लोग भयभीत हैं और अकेले अपने खेतों पर जाने से घबराते हैं। परंतु आज फिर चीते की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों ने दौड़ा दिया। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा शमशाबाद के ग्राम अकबरपुर निवासी बिमलेश के खेत में एक पुराना रहट का कुआं है, जिसमें आज चीते के बच्चे के पड़ा देखा। ग्रामीणों का सैलाब उमड़ आया, लोगों का कहना है कि मादा चीता कुएं के पास खड़ी होकर दहाड़ रही थी, परंतु किसी की कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई और लोगों के आने के बाद शोर मचाने पर वे वहां से चली गई। और लोगों ने कुएं में झांक कर देखा तो एक चीते का बच्चा कुएं में पड़ा पागल है, कब से पर तीन घंटा चार घंटा चुकन दे चला जाएगा, पंजा है बाहर सारे खाली यार, गाँव गाँव बाहर उठा रहे घूमो तो यार, देख रहे कब मतलब कब रहा है, टूट गया, चलो नहीं जा रहा, ये सर्दी में गिर गया, उसमें कुएं में गिरा, डायरेक्ट चोट लगी हुई इसके और चीख रहा था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर आ गई और वन विभाग की टीम को भी बुला लिया। वन विभाग रेस्क्यू टीम उपनिरीक्षक आर के तिवारी, वन रक्षक मुरारी लाल, गगन कुमार आदि ने बड़ी मशक्कत के बाद कुएं से चीते के बच्चे को बाहर निकाला और बाहर निकलने के बाद देखा कि जिसे लोग चीता समझ रहे थे वह दरअसल वन बिलार का बच्चा निकला, जिसके बाद वहां का माहौल हास्यप्रद हो गया। तो आइए देखते हैं वन विभाग अधिकारी ने यूपी 76 न्यूज को क्या बताया। रेस्क्यू करने आए थे, क्या है ये, क्या था ये? कुछ नहीं, बिल्ली की डेवलप प्रजाति है, जिसको कहीं कहीं भाषा में वन बिलार भी कहते हैं, कोई कबर बिज्जू भी कहता है अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में, तो ये वन बिलार का वो बिल्ली का थोड़ा डेवलप प्रजाति है। और ये मतलब
आदमियों पे नहीं अटैक करता है, ये छोटे छोटे जानवर जो होते हैं ना, जिनका भोजन है उस पर अटैक करते हैं, और ऐसी कोई पब्लिक को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे जैसे जानकारी मिली मैं आया और आपके सामने यहीं पे ये करके उसको अब चला गया खेतों में। हड़कंप तो बहुत मचा हुआ, चीते प्रजाति जैसा लग रहा था, आवाज ठीक भी वैसे ही रहा था। ऐसा होता है कि ये दिखने में जैसे बिल्ली और शेर को आप देखिएगा, तो ये इसकी डेवलप प्रजाति होते 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 वो एक चीता में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें गूगल में आता है पूरा कि बिल्ली क्या, फिर बनबिलार कैसा, फिर वो कैसा कवर बिज्जू कैसा, उसकी डेवलप प्रजाति में जाके वो बिल्कुल चीता जैसा दिखने लगता है। तो ये बहुत निचले स्तर की है, डरपोक जानवर होता है और आदमियों पे ये ज्यादा अटैक नहीं करता है, और अपना ये छोटा मोटा जो ये खेतों में जानवर पाए जाते हैं हल्के फुल्के, जिस जो इसका भोजन है वो, ऐसी कोई न तो पब्लिक को डरने की आवश्यकता, और फिर जनता है, जनता तो अपने अपने मत प्रकट करती है उसमें। लेकिन मादा जो थी इसकी वो डीके मार रही थी जिस समय ये गिरा था, तो उसी से भयभीत ये जनता हुई कि चीता है चीता है चीता है। हाँ, तो जनता को तो पता है नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं मान लो कौन सी प्रजाति है और मतलब जो है क्या करती है क्या खाती है, तो ऐसे है। और जब नर और मादा जब एक साथ थे दोनों, तो जब एक जोड़ा उसका बिछड़ेगा तो एक जोड़ा स्वाभाविक है वो चिल्लाएगा घूमेगा। ये अच्छा रहा कि समय रहते जानकारी हो गई और उसको जो है निकाल के सकुशल निकाल लिया गया, जंगल की तरफ भाग गया। धन्यवाद।